मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप कौर, योर सोशल साइंस टीचर। यस बेटा, इन प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। सेकंड चैप्टर बेटा हम कर रहे थे, हमने मीना और अनंत के बारे में पढ़ा था कि अनंत कैसे अपनी क्लासमेट की सिस्टर के लिए, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए एक आर्ट का एक जो है बनाता है, आर्ट की जो एक थिंग है वो बनाता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बेटे हम नेक्स्ट पैराग्राफ से कर रहे हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं। ऑल ऑफ डिपेंड अपॉन वन एंड अदर फॉर डिफरेंट रीजन। देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड दैट मोस्ट पीपल आर सेंसिटिव। तो देखो, हम आस पास देखें तो बहुत लोग सेंसिटिव है, संवेदनशील है दूसरों की नीड्स के लिए, दूसरों की जिनको नीड्स है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एवरी वन रेडी टू होल्ड द हैंड ऑफ अ चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन वाइल क्रॉसिंग अ रोड, ऑफर दैम अ सीट इन अ बस और ट्रेन, हेल्प दैम टू कैरी हैवी बैग्स। देखो, अगर हम देखें हमारे आसपास, जैसे हम बस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक बच्चे को अगर किसी ने रोड पार कराना हो तो वो भी सभी लोग करवा देते हैं, और ओल्ड पर्सन को क्रॉस कराना हो रोड तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं। तो कभी कभी बस और ट्रेन में देखा है कि हम बुज़ुर्ग लोगों को सीट भी देते हैं और उनके हैवी बैग्स जो होते हैं उनको भी कैरी करते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो में क्या लिखा हुआ बेटे, सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का। ठीक है बेटा, उसी को समाज बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे, द चिल्ड्रन डेवलप अ केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स बाय वॉचिंग देयर पेरेंट्स एंड अदर पीपल अराउंड देम। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। देखो, बच्चों में केयरिंग एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे वो करते हैं वैसे ही बच्चों का एटीट्यूड बनता है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स से भी सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम देखते हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ नीटा। अब हम नीटा की एग्जाम्पल लेते हैं कि नीटा शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, वो जॉइंट फैमिली में रहती है, वेयर एवरी वन केयर्स फॉर कम्फर्ट ऑफ अदर्स। जहाँ पे जॉइंट फैमिली में बहुत लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि दूसरे कंफर्टेबल है, दूसरों के कंफर्ट की केयर की जाती है। शी प्लेज एंड क्वाइटली व्हेन हर ग्रैंडफादर रेस्ट्स। वो देखती है, वो क्वाइटली खेलती है, क्वाइटली मीन शांति से खेलती है, इतनी आवाज़ नहीं करती अपने फ्रेंड्स के साथ जब उसके ग्रैंडफादर सो रहते हैं। ठीक है, ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन हैव ऑल्सो बिकम कॉन्शियस एंड डू नॉट मेक नॉइज व्हाइल नीटाज़ ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे अपने फ्रेंड्स से भी सीखते हैं, ऐसे नीटा के फ्रेंड जब उसके घर पे आते हैं तो वो बच्चे भी इतने कॉन्शियस होते हैं, इतने वो भी देखते हैं, एंड वो भी कभी आवाज़ नहीं करते, नॉइज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नीटा को देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर को डिस्टर्ब नहीं करती। तो वो भी जब नीटा के ग्रैंडफादर सो रहे थे तो वो बच्चे भी उस अपनी फ्रेंड नीटा से सीखते हैं, वो भी आवाज़ नहीं करते। तो ऐसे बेटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से भी सीखते हैं। या आज तक बेटे यहाँ तक ही करेंगे हम, कल बेटे नेक्स्ट करेंगे वशुदा के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।